तो गाइस, क्या आपका बजट 10,000 तक है और आप एक बेहतर स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि अंडर 10,000 के प्राइस पर आते हैं। उसके साथ ही मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन होगा आपके लिए बेस्ट। तो वीडियो देखते रहिए और सभी स्मार्टफोन का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं और नंबर 5 पर आता है realme का realme U1। इसका 464GB वाला वेरिएंट 10,000 की प्राइस पर आता है, जिसके बैक में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है और फ्रंट में 6.3 इंचेस की फुल HD+ की ड्यू ड्रॉप नॉचुरल डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और बैक में 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक का हीलियो P70 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और पावर के लिए आपको इस डिवाइस में 3500mAh की बैटरी देखने को मिलती है। नंबर 4 पर आता है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M30। इसका 332GB वाला वेरिएंट 10,000 की प्राइस पर आता है, जिसके बैक में आपको वही पॉली कार्बोनेट ग्रेडिंग फिनिशिंग मिलती है और फ्रंट में आपको 6.4 इंच की HD+ की इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करें तो यहां आपको एक्जिनोस का 7904 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं कैमरे की बात करें तो इस डिवाइस में आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और रियर साइड में आपको 13+5+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है। और पावर के लिए इस डिवाइस में आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है। उसके साथ ही आपको 15W का फास्ट चार्ज भी देखने को मिल जाए। नंबर 3 पर आता है वीवो का vivo U10। इसका 364GB वाला वेरिएंट 10,000 की प्राइस पर आता है, जिसके बैक में आपको पॉली कैबिनेट की बॉडी देखने को मिलती है और फ्रंट में आपको 6.3 इंचेस की हॉलो फील्ड व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1544 पिक्सल है। और प्रोसेसर की बात करें तो इस डिवाइस में आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और पावर के लिए इस डिवाइस में आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है। उसके साथ ही आपको 18W का फास्ट चार्जर भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि आपकी बैटरी को बहुत फास्ट चार्ज कर देगा। वहीं नंबर 2 पर आता है realme का realme 5। इसका 332GB वाला वेरिएंट 10,000 की प्राइस पर मिलता है, जिसके बैक में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिल जाती है, साथ ही फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात करें तो 6.5 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और कैमरे की वहीं बात करें तो इस डिवाइस में रियर साइड में आपको 12+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है और सेल्फी के लिए आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं बैटरी की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है। इसके साथ आपको कोई फास्ट चार्जर नहीं देखने को मिलता है। नंबर 1 पर आता है इंडियाज नंबर 1 ब्रांड Xiaomi का फोन Redmi Note 8, जो कि फिलहाल जल्दी में लॉन्च हुआ है, जिसका 464GB वाला वेरिएंट 10,000 की प्राइस पर मिल जाता है, जिसके बैक में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है जो कि इन हैंड काफी प्रीमियम लुक और फील देगा और बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। वहीं फ्रंट साइड की बात करें तो 6.3 इंचेस की फुल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और कैमरे की बात करें तो यहां आपको 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है और सेल्फी के लिए आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो इस डिवाइस में आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और बैटरी की वहीं बात कर लें तो इस डिवाइस में आपको 4000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है। उसके साथ ही आपको 18W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है बॉक्स के साथ में। तो गाइस, ये थी कुछ बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000, बट मैं अपना ओपिनियन दूं तो रेडमी नोट 8 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 10,000, जहां इस डिवाइस में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा और 4GB का रैम, 64GB स्टोरेज और साथ में आपको 18W का फास्ट चार्जर मिलता है। तो गाइस, मेरे ओपिनियन से रेडमी नोट 8 बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 10,000, बट आप किस डिवाइस को प्रेफर करते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। फ्यूचर में और ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।